सो हेलो गाइस, 13/22 हम हैं एसके बनारसी। आज हम आप लोगों को लेके आए हैं स्कैंट स्टेशन दिखाने, और इसके विषय में बातें करेंगे और आपको इसके विषय में बताएंगे। चलते हैं सीधा स्टेशन की तरफ। स्टार्ट। ये देखिए, स्टेशन के सामने जो पुल है उसके नीचे का दृश्य है, और काफ़ी अच्छा है। लाइटिंग है, यहाँ पर चाय है, पिज्ज़ा है, अन्य प्रकार की कई दुकानें ऐसी हैं जो खोली गई हैं, और काफ़ी दूर तक ये दुकानें खुली हैं, छोटी से बड़ी। यहाँ पर बदनाम चाय, न जाने कितने कितने प्रकार की चाय लोग बेचते हैं, और ये पुल के सामने अपना बिजनेस धंधा लोग खड़ा किए हुए हैं। और यहाँ पे कला चित्र भी बना हुआ है, देखें कितनी अच्छी सजावट है, साफ़ सफाई भी है, लोग आते जाते रहते हैं, और इनकम का स्रोत भी है यहाँ पर। टेंट के सामने लोग आते, ये देखिए स्टेशन है हमारा, और ऊपर देखिए अशोक चक्र दर्शाया गया है स्टेशन के सामने का, और ऑटो ऑटो खड़ी हैं यहाँ पर। चलते हैं इन लोगों के पास, हम देखते हैं अंदर का नज़ारा, हम सीधे दिखाते हैं स्टेशन के, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार हम लोग। और देखिए कितनी अच्छी दृश्य है, एक सीरियल वाइज एकदम बत्ती देखिए रेड कलर की जली हुई है। और हम आपको बता दें कि स्टेशन बन रहा है, अंदर का भी दृश्य हम दिखाएंगे, और नया लुक देखने को आप लोग को मिलेगा। चलते हैं धीरे धीरे अंदर स्टेशन के पास। ये देखिए लोग आते जाते रहते हैं, और यहाँ पर रात्रि होने के बाद ये सोचिए कि सन्नाटा हो जाए, सन्नाटा नहीं होता है, यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं दूर दराज से लोग। और प्लेटफार्म हम सुने हैं नया बन रहा है, कुछ तोड़ फोड़ हो रही है, तोड़ फोड़ होने के बाद ये स्टेशन जो है कि नया बन रहा है कुछ। देखिए लोग सोए हुए हैं, पर्यटक आने जाने वाले अपनी अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, सोए हुए हैं। ये देखिए डमरू बजा रहा है बंदा, रात को कौन कर देगा यार, रात को भी बिजनेस चालू है इन लोगों का। हालांकि मोदी जी के आने के बाद स्टेशन का नया लुक देखने को मिलता है। ये देखिए हम कहे थे ना कला चित्र बना हुआ है, वहाँ देखिए, और साफ सफाई तो अब देखने को बनता है। लाइटिंग पहले इतनी नहीं थी जितनी की अब है। अंदर भी देखिए दृश्य एक से एक देखने को मिलेगा, पहले जितनी साफ सफाई नहीं थी आज बहुत ज़्यादा साफ सफाई है, मोदी जी ने इस पर विशेष ध्यान दिया हुआ है। और देखिए ये स्टेशन के अंदर हम लोग आ गए, लोग बैठे हुए हैं यात्री, संत पुरुष की ये देखिए तस्वीरें, और ऊपर जाते हैं आने जाने के लिए रास्ता ऊपर भी है। हालांकि हमने पूछा था एक लोग से ऊपर जा सकते हैं, तो नहीं, अथॉरिटी नहीं है हमको जाने के लिए, नहीं तो हम ऊपर भी ले जा करके दिखाते आप लोग को। ये देखिए अंदर का नज़ारा, लोग बैठे हुए हैं, जय अंकल जी। और यहाँ से बाहर को देखिए नज़ारा अच्छा लगता है, आप रात फील ही नहीं कर सकते कि अंधेरे में है हम, यहाँ इतनी उजाला है, लोग खा पी रहे हैं, अपने ये देखिए प्रशासन बैठा। हम इन्हीं से पूछे थे जाने के लिए, जिन्होंने मना कर दिया कि नहीं आप अंदर ऊपर नहीं जा सकते। चलते हैं दूसरी की तरफ, और ऐसे ऐसे ही हम लोग बाहर निकलेंगे धीरे धीरे। देखिए सोए हुए हैं बाहर, लोग आ गए हैं। चलते हैं दूसरे गेट की तरफ, हम लोग कोशिश करते हैं, देखते हैं कि अंदर जाने का और रास्ता होता है कि नहीं। हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि अंदर हम आपको चले रेलवे स्टेशन के अंदर जो बन रहा है वो दृश्य आप लोग को दिखाएं, और सामने जो बन रहा है उसके विषय में बताएंगे। देख रहे हैं कितनी अच्छी लाइटिंग है, एक डिजाइन एक तरफ के एकदम रेड गुलाबी पिंक है एकदम, लाइटिंग हर जगह है। और पुल के सामने से आप देखेंगे ना तो गजब लगता है, ये कोई राजघराना है क्या ऐसा फील होता है, होटल की तरह एकदम। देख रहे हैं लुकिंग, अभी भी लोग
बैठे हुए हैं, अपने अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे ही लोग आते जाते रहेंगे। ये देखिए लोग सोए हुए हैं, साफ सफाई कहीं भी चादर बिछा करके लोग सो जाते हैं। और ये देखिए बन रहा है वो रुपवे, ये रुपवे का है जो बना है, अभी ये निर्माणाधीन है, बन रहा है। हम बात किए लेकिन अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं। चलते हैं इसी तरह हम बाहर। ये देखिए जेसीबी लगा हुआ है, जेसीबी इसी तरह। और ऊपर देखिए बहुत बड़ा ड्रिल मशीन भी लगा हुआ है ऐसे। ये देखिए कंक्रीट लाने वाली, ये गिट्टी बालू जो बना करके लाती है, ये वो मशीन है। ये रोड अभी इतना धूल मिट्टी इधर है कि मतलब कि दिखा सकते हैं हम आपको। ये जो खुदाई हो रहा है उसके कारण हो रहा है, इतनी धूल मिट्टी है लगा हुआ है। ऊपर देखिए लाइटिंग जल रही है हमेशा, कलर बदलता रहता है, चलता है तो इसी तरह। लुक तो देखते बनता है कैंट रेलवे स्टेशन का। हालांकि बनारस का एक और स्टेशन है मड़वाड़ी, कभी चलेंगे वहां पर भी दिखाएंगे। ये देखिए अंदर का नज़ारा रेलवे स्टेशन का आपके सामने। दो प्लेटफार्म खुली हुई हैं बस, ये पहला और उसके बाद का। और सारी देखिए ये पतरा लगा करके बंद किया हुआ है और उसके सामने काम हो रहा है। ये देखिए पतरा लगा हुआ है, स्टेशन को नया लुक देने की सोच है, इसलिए वहाँ पर काम चल रहा है। और ऊपर देख रहे हैं पहले इतनी लाइटिंग नहीं थी जितना कि आज है। लोग यहाँ स्टेशन के किनारे भी देखिए बैठे हुए हैं, अपने अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर रात भर आप आएंगे तो मतलब ये नहीं फील करेंगे हम अकेले हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि सन्नाटा टाइप का एकदम सीधा, उस पार भी बैठे हुए हैं, लाइटिंग है। ऊपर जाने के लिए अथॉरिटी नहीं है, रोक दिए थे, नहीं तो हम ऊपर भी ले जाकर के उस पार भी दिखाते, क्योंकि काम चल रहा है इसलिए हमें रोक दिए सिक्योरिटी गार्ड ने, नहीं तो हम ऊपर भी ले जा कर के दिखाते। फिर कभी मौका मिल जाएगा, अगर बन जाएगा रेलवे स्टेशन तो फिर बनाएंगे हम ब्लॉग और उस पार का नज़ारा दिखाएंगे हम आपको। चलते हुए वो देखिए काम चल रहा है, देखिए वो चल रहा है ना, ये काटा जा रहा है लोहे को। बस दो प्लेटफार्म खुला हुआ है, एक फर्स्ट और सेकेंड, और बाकी सब ये देखिए रेस्टोरेंट है, खाने पीने की सुविधा है यहाँ पर। देखिए ट्रेन आ गया प्लेटफार्म नंबर दो पर और हम फर्स्ट पे हैं खड़े, जाने नहीं दे रहे थे ना। ये देखिए गिम्बल उम्बल हमारे साथ में है, हम लोग फोटोशूट कर रहे हैं तो वो जाने नहीं दिए, प्रशासन वाले खड़े थे। ये मालगाड़ी है और ये देखिए एक सामने से ट्रेन आ रही है चिल्लाते हुए। ये कुत्ता बैठा हुआ लगता है, ये कुत्ता भी जाएगा। लोग सोए हुए हैं बेफिक्र अपने अपने फैमिली के साथ। ट्रेन आ गई, काफी शोर शराबा रहता है यहाँ पर। यह ट्रेन है, ये एसी बोगी है, कुत्ता अड़ गया बेचारा, लंगड़ा रहा है। ये बैठे हुए हैं लोग,
जा रही है देखिए ऐसे जाते हुए, ऊपर लिखा है निकास एग्जिट पॉइंट, और आप ट्रेन को देख ही सकते हैं। बस दो ही प्लेटफार्म खुला हुआ है और हम कर भी क्या सकते हैं, मतलब काम चल रहा है भाई, हम ही लोगों के लिए है। जब बन जाएगा तो देखिएगा कि मतलब कैसा लगता है वहाँ का लुक सारी स्टेशनों का। देखिए रेस्टोरेंट है, भैया यहाँ पे सामान बेच रहे हैं, बाहर आ गए हैं हम लोग, यहाँ से भी दिखा सकते हैं। ये तब मशहूर तबला वादक का फ़ोटो है, लता मंगेशकर का फ़ोटो है, और बहुत लोगों को तो हम पहचान भी नहीं पाते। चलेंगे धीरे धीरे बाहर की तरफ हम लोग। ये देखिए आरक्षण केंद्र है टिकट का, लोग टिकट कटाते हैं। ऐसे ही हम लोग बाहर निकलेंगे, देखिए कंक्रीट है। ये देखिए रूप बता रहे थे, ये देखिए रूपवे की तैयारी की रही है। यहाँ से विश्वनाथ मंदिर तक जाने का ये मार्ग बनेगा लमसम, ये बताया गया है। ये स्टेशन का इस वक्त से देखिए कितना अच्छा लुक है, दिवाली वाले दिन देखिएगा बहुत अच्छा सजा रहता है। लोग इसी प्रकार आते जाते रहते हैं। ये देखिए ये मशीन लगा हुआ है, ड्रिल मशीन, बहुत बड़ा ये ड्रिल मशीन है। हम अंदर पूछे जाने के लिए मना कर दिए, मतलब जाना नहीं है, उस पर काम चल रहा है, और बोले कि अगर अंदर जाना है तो परमिशन लेकर के आइए। लेकिन परमिशन ले तो किसके किससे। ये देखिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, बाहर से आई हुई ये सारी मशीनें, एकदम रुपये बनेगा। और यहाँ से आने जाने के लिए सीधा आप लोगों को मिलेगा रास्ता। तो वीडियो पे जो नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले इसी तरह वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत, हम यही कहेंगे। सो गुड लक आप सभी को मेरी तरफ से।